करेंगे वॉवल्स। क्या करेंगे बस? क्या होते हैं? जैसे हम हिंदी में मात्रा लिखते हैं, ठीक है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ब की मात्रा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी मात्रा होती है, जो स्वर होते हैं उन्हें वॉवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मिस्टर? हाँ, तो हमारे स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? फाइव। कितने होते हैं? फाइव वॉवल्स होते हैं। देखो ऐसे अपने इसमें लिखो फाइव वॉवल्स, ऊपर लिखो फर्स्ट लाइन पे जल्दी से। तो फाइव वॉवल्स कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनो। देखो इधर ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। ये फाइव वॉवल्स हो गए हमारे, ठीक है। कितने हो गए? फाइव वॉवल्स। फिर से बोलो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वेरी गुड। स्वर होते हैं, जैसे हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में इनको हम वॉवल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं से हमारी, जैसे हिंदी में मात्रा लिखते हैं, ऐसे इनसे हमारी सारी मात्राएं इंग्लिश में बनती है। क्या बनती है? मात्राएं बनती है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बस खाली इतना ही याद करोगे, ये लिखो वॉवल्स ऊपर और फिर ये फाइव वॉवल्स लिखो नेक्स्ट लाइन पर, फिर ये लिखना है नीचे ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, ऐसे कॉमा, ऐसे कॉमा बोलते हैं। हाँ, समझ में आया ना? अब देखो जैसे हमने लिखा ए, आई, ओ, बताएंगे यूज ऑफ ए, यूज ऑफ वॉवल्स ए, ठीक है। यूज ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे हो गया? जैसे आ, सी, ए, टी, कैट, हो गया ना। तो ए आया हमारा, ये हमारी मात्रा हो गई, ये हमारा स्वर हो गया, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, ये देखो यहाँ पे एम ए टी, मैं, ये हमारा ए वॉवल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर ए टी, रेड, आप डेली याद करते हो ना ये ना। हाँ, तो ये रेड हो गया। आगे देखो बी ए टी, बैट, बैट मींस बल्ला, है ना। और इस तरह से हम लिखते चले, कहीं भी हमें लगाना होगा तो हम इस तरह से ए लगाएंगे। ए का हमारा यूज हो गया इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, बोलो यहाँ से एम ए टी, एम ए टी, मैं, आर ए टी, रेड, वेरी गुड। आगे बोलो बी ए टी, बैट, एस ए टी, सेट। अब देखो यहाँ पे सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रेड, बी ए टी बैट्स, एस ए टी सेट, ऐसे हम और लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया? हाँ, तो ए का यूज हम इस, ए का यूज हम ऐसे करते हैं, है ना। गुड, आज हम ए की बताएंगे, नेक्स्ट डे हम फिर आपको ई की बताएंगे। हाँ, ई की बताएंगे। आज आप ए से ही बनने वाले दस टेन वर्ड दिए जाएंगे, ऐसे लिख कर